नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बता दी कि भुवन बाम के सिर से उठा माता पिता का साया, भावुक पोस्ट में लिखा, क्या मैं अच्छा बेटा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि अपनी YouTube वीडियो से लाखों के चेहरे पर हंसी लाने वाले मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर भुवन बाम पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बता दें कि शनिवार को भुवन बाम ने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी कि कोरोना वायरस की वजह से उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया है। वहीं भुवन अपने मम्मी पापा की कई तस्वीरें शेयर कर भावुक पोस्ट में लिखा कि क्या मैं अच्छा बेटा नहीं था। लोकप्रिय यूट्यूबर भुवन बाम के फैंस ने भी जब ये खबरें सुनी तो वह टूट गए। इस मुश्किल घड़ी में भुवन बाम के लिए सोशल मीडिया पर उनके फैंस का सपोर्ट उमर पड़ा है। दोस्तों बता दें कि यूट्यूबर भुवन बाम ने शनिवार रात करीब 7:30 बजे फैंस को इस बुरी खबर की जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कोविड की वजह से मैंने अपने दोनों लाइफ लाइन्स को खो दिया। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक महीने में सब बिखर चुका है, घर सपने सब कुछ मेरी आई मेरे पास नहीं है, मेरे बाबा मेरे पास नहीं है, अब शुरू से जीना सीखना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है। दोस्तों बता दी कि भुवन बाम ने आगे सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, क्या मैंने उन्हें बचाने के लिए जो किया काफ़ी नहीं था, मुझे इन सवालों के साथ हमेशा के लिए जीना पड़ेगा, उन्हें फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, काश वे दिन जल्दी आ जाए। भुवन बाम के इस पोस्ट से उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह पूरी तरह टूट चुके हैं। और भुवन बाम के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए। फैंस और दोस्तों की इस मुश्किल घड़ी का सामना करने की हिम्मत दे रहे हैं।